90 में कार सेवा के बारे में एक अभियान चल रहा था पूरे देश भर में, और उसके अंतर्गत हम शिमला में, क्योंकि उस समय मेरे पास भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी, और दिनेश भाई और महेश जी जो दोनों मेरे साथ थे, दोनों जिला के उपाध्यक्ष थे, लच्छी राम जी हमारा निजी क्षेत्र से थे और बालकिशन जी नगर निगम की यूनियन से, ऐसे हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, और पूर्व जो विधायक है उस समय वो कर्मचारी नेता होते थे आदरणीय गोविंद राम शर्मा जी और किशोरी लाल, ऐसा हमारा एक गण था। और उस गण प्रमुख के तौर पर हम, मुझे भी सौभाग्य मिला उस कार सेवा में के कार्यक्रम में भाग लेने का। शुभ प्रारंभ में हम लोग यहाँ गंज मंदिर में इकट्ठे हुए, हम सब लोगों ने प्रण लिया कि हम वहां पे जाएंगे। विपरीत परिस्थितियां थी, मुलायम सिंह का राज चल रहा था उत्तर प्रदेश में, और वो बोल रहा था कि यहाँ पर कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता, लेकिन बहुत परिस्थितियां विपरीत थी। रोज अखबार में दूसरी जगह सब तरह की इस तरह की खबरें आ रही थी जिसमें भय का एक वातावरण, और हम सरकारी नौकरी में होते हुए हम लोगों ने तय किया कि हम वहां के लिए जाएंगे। हमने 27 तारीख को ये निर्णय लिया और 27 तारीख को हमारा जो जत्था था वो यहाँ से चला। उस गण में हम लोग, हमारे जो वाहिनी प्रमुख थे वो राजेंद्र पाल सूद जी थे, सुरेश भारद्वाज जी भी एक गण के प्रमुख थे, और ये सब लोग हम यहाँ पे शिमला से गंज मंदिर में इकट्ठे होने के बाद, जब जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर हमारे को विधिवत विदाई दी गई, हमारे जो अभिभावक थे वहां पे आए थे, सब लोग काफी दुखी थे और सब लोग बड़े भावुक होकर रोकर हमारे को विदाई दी गई। हमारे को सब लोगों ने तिलक लगाकर और हमारे को भगवा पटके पहनाकर वहां से विदाई हुई। हम कालका पहुंचे और कालका में, जैसे ही हमने कालका में, क्योंकि यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, कालका में कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, तो जैसे हम कालका पहुंचे तो हमारी छानबीन शुरू हो गई, हमारे से पूछताछ शुरू हो गई, लेकिन हमारे पास पक्के प्रूफ थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम लखनऊ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे को पहले से बताई गई थी, उसके अनुसार हम लोग अपनी बात को रख रहे थे। अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थान के बारे में जानकारी थी, उस प्रकार से हम अपनी रेल में जब हम बैठे तो हम लोगों ने उस तरह से आगे अपना सफर बढ़ाया। धीरे धीरे करके हम बहुत सारे गुप्तचर, उसके बाद हम हरिद्वार पहुंच गए थे, उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही प्रदेश था, तो जैसे ही हमने वहां पर प्रवेश किया बहुत सारे लोगों ने हमारे से बातचीत शुरू कर। हरिद्वार से जाते जाते हम सहारनपुर से आगे जब हम मुरादाबाद पहुंचे तो हमारे में से एक कार सेवक को उन लोगों ने पकड़ लिया, और जब एक कार सेवक को पकड़ लिया तो धीरे धीरे उसने सब लोगों को बता दिया। 27 तारीख को ये सारा जो कार्यक्रम वहां पे हुआ, और 27 तारीख को जो हम लोग वहां से चले थे तो 28 तारीख की सुबह हम लोगों को मुरादाबाद में, वहां की जो पुलिस थी हम लोगों ने काफी उसमें जोर आजमाइश की, लेकिन उन लोगों ने हमारे को वहां से उतार दिया। जैसे ही हमारे को उतारा, सारे कार सेवकों ने पूरे जोर के साथ हम लोगों ने रामलला हम आए हैं मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों के साथ हम लोग ने जिस तरह से नारे लगाए, वहां बहुत सारी बहनें सैकड़ों की संख्या में थी, उन्होंने हमारी बहुत आवभगत की, हमारे को तिलक लगाए, हमारे को उन्होंने काफी अच्छे वहां पे वातावरण में हमारे को एक एहसास हुआ कि हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हो देशभक्ति का काम है, राष्ट्रभक्ति का काम है और राम भक्ति का काम है, इसके लिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं। वहां की जो पुलिस थी उन्होंने हमारे को वहां के मुरादाबाद के जो रेलवे स्टेशन था वहां से एक स्कूल में ले गए, वहां अस्थाई जेल बनाई हुई थी और वहां जेल में हमारे को रख दिया। लेकिन कुछ देर बाद जो वहां के एसपी थे उनको इनपुट आई कि वहां पर जो शरारती तत्व है और जो राम विरोधी तत्व है वो दूसरे समुदाय के लोग वो हमारे ऊपर रात को हमला कर देंगे। उस बात को लेकर वो प्रशासन वहां का काफी चिंतित हो गया और उन्होंने हमारे को कहा कि हम आपको रात को 12 बजे हमारे को वहां से शिफ्ट कर दिया और बिजनौर की जो असली जेल है वहां पर हमको ले गए। हम लोग जो उस पे अड़ गए कि हमारे को कहाँ ले जा रहे, पहले हमारे को बताओ। वहां पे नारेबाजी हुई, हल्का और भी लोग कार सेवक वहां पे इकट्ठे हो गए तो काफी हल्का लाठीचार्ज भी जेल के बाहर हुआ। लेकिन हम उसके बाद हम लोगों को बिजनौर की, जब हमने बिजनौर जेल को पढ़ा और बिजनौर की जेल में हमारे को अंदर ले गए तो हम बिजनौर की जेल में 28 तारीख से और 6 तारीख तक रहे। 30 तारीख जो 30 अक्टूबर था वो कार सेवा का दिन निश्चित था, तो हम लोग अब क्योंकि हम जेल के अंदर थे तो हम सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते थे। अधीक्षक वहां आरडी शर्मा जी थे, वो जब आए उन्होंने हमारे को जानकारी दी कि जहां मुरादाबाद में आपको रखा गया था वहां हमला हो गया, और बहुत धन्यवाद हूं कि आप लोगों ने अटने के बाद भी आपने जेल में आना स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात हुई, नहीं तो कुछ भी हादसा हमारे साथ घटित हो सकता था। लेकिन जैसे ही हम लोग सारे लोग हम बिजनौर की जेल में थे तो 30 तारीख को हमारे को पता नहीं चला, हम जानकारी ले रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल चलकर और कुछ लोग अपने अपने निजी वाहनों से अयोध्या के अंदर प्रवेश कर गए, इसकी जानकारी हमारे को 31 अक्टूबर को मिली। और 31 अक्टूबर को मिला कि कार सेवा तो शुरू हो गई,
कुछ लोगों ने अपने चिमटों से, कुछ लोगों ने पत्थरों से, कुछ लोगों ने किसी चीज से वहां पे कार सेवा प्रारंभ की है, लेकिन वहां पर गोली चार्ज हो गया और सरयू नदी बिल्कुल लाल हो गई है, जिसमें कुठारी बंधुओं का भी पता चला कि दो सके भाई मारे गए, ऐसे तमाम लोग जो वहां पे पहुंचे थे उन पर गोली चली है। तो जेल के अंदर भी एक अलग तरह का वातावरण। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे को पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे, अब कार सेवा होगी, आप लोग क्या करेंगे, तो हमने बोला कि हम अयोध्या जाएंगे। तो उन्होंने हमारे को 6 तारीख तक वहां पे रखा और 4 तारीख का शायद ये हादसा है कि जो बिजनौर है उसका काजीपाड़ा मोहल्ला है जहाँ वो दूसरे संप्रदाय के लोगों का बहुल है वहां पे, तो वहां पर रात के अंधेरे में उन्होंने लाइटों को बंद कर दिया, हिंदू बहनों की इज्जत लूटी गई, वहां पे हमले हुए और बहुत भयानक सूचनाएं अंदर जेल के अंदर हमारे पास आई, क्योंकि जो ज्यादातर अंदर लोग थे वो सब राम भक्त लोग थे जो पुलिस प्रशासन में थे। उन लोगों ने जो जानकारी हमारे को दी उसके मुताबिक वहां पर काजीपाड़ा मोहल्ले में जब ये हादसा हुआ, बिल्कुल बिजनौर की जेल के साथ लगता हुआ, वो जेल 10-12 किलोमीटर में फैली हुई थी, अंदर ही सारी चीजें उसमें व्यवस्था थी, तो वहां पर जब ये हादसा हुआ तो उससे काफी दिक्कत जेल के अंदर लोगों को डर लगने लगा। और हुआ ये कि हमारे को रोज जेलर पूछता था कि आप कहाँ जाएंगे। 6 तारीख की सुबह, 6 तारीख को जेलर साहब हमारी उसमें आए, हमारी बार्ग में आए और हमारे को बोला कि अगर आप नहीं मानते तो मैं आप लोगों को अयोध्या ही भेजता हूँ। हम बड़े खुश हुए कि हमारे को अयोध्या भेजा जा रहा है, पर उन्होंने बोला कि वहां पर तो पुलिस छावनी बन गई हुई है, कार सेवकों का खदेड़ दिया गया है और कुछ लोगों के साथ वहां पे गोली चली है, बहुत सारा वहां पे मतलब संकटपूर्ण स्थिति है। लेकिन हम अड़े रहे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर नहीं मानते तो 6 तारीख को आपको जेल भेज देंगे। उत्तर प्रदेश की एक बस आई, उसमें 4 पुलिसकर्मी थे, हमारे को एक एक करके वहां से शिफ्ट किया गया। हम लोगों को जेलर ने सर्टिफिकेट भी दिया, हमने बोला कि हम जितने दिन रहे आप लिख के दो, कल को कोई हादसा होता है तो वो जरूरी है कि हमारे पास वो सर्टिफिकेट हो। तो हमारे को प्रमाण पत्र जेल की तरफ से सब लोगों को जारी हुआ और उसके बाद हम लोगों को बस में बिठाया गया और हम रात भर बस में चलते रहे, कहीं कोई हमारे को पता नहीं चला। सुबह हम हरिद्वार पहुंच गए, जब हम हरिद्वार पहुंचे तब हमारे को पता चला कि हमारे को अयोध्या नहीं बल्कि उल्टे हरिद्वार की तरफ ले जा रहे हैं। फिर हमने हरिद्वार में रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से, हम सब लोगों ने गंगा स्नान किया और राम मंदिर का मतलब कोई राम की पूजा पाप पद्धति से नहीं है, राम मंदिर का मतलब कोई एक किसी मंदिर से नहीं है, ये आम देश के चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग है, चाहे हिंदू समुदाय के लोग है, चाहे कोई अन्य समुदाय के लोग है, ये देश की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ, देश की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। और राम मंदिर के से जो देश के अंदर एक क्रांति आई है, देश के अंदर जो एक राष्ट्रवाद की एक भावना पैदा हुई है, हमारे को बहुत अत्यंत प्रसन्नता इस बात की, क्योंकि 90 का जो संकट का समय था, 90 के समय में, 90 के वर्ष में जिस तरह का कार सेवा का अभियान चला था वो एक बहुत डरावना अभियान था। उसमें किस तरह के साथ क्या हुआ, आडवाणी जी को कहां रोक दिया गया, बाकी लोगों के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से साधु संतों की हत्या हुई, किस तरह से कार सेवकों को मारा गया, ये एक अनहोनी घटना थी। और इस घटना को मैं हम देश की सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और उस हिंदू समाज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को जारी रखा, करोड़ों संतों ने इस सारे अभियान को चला के रखा, हम अति प्रसन्न है। और हर कार सेवक जो 90 में गया वो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न है, लेकिन जो बानुओं में जब ये विध्वंस हुआ सारी उस मस्जिद का, वो लोग उसके साक्षी है, हमारे को साक्षी बनने का मौका नहीं मिला। हम निश्चित तौर पे सारे स्वयं जो कार सेवक है वो अयोध्या जरूर जाएंगे और रामलला का दर्शन करके आना धन्य प्राप्त करेंगे।